हमारा सौभाग्य है कि आप सभी आज हमारे ऑफिस में आए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल हम तीज महोत्सव मनाते हैं। हमारा जो एक क्लब है महिलाओं के लिए बनाया हुआ है हमने, फिरोजा एक शहर क्लब हिसार, इसके बैनर के नीचे हमारा जो क्लब है वो ये हर साल तीजों का बहुत बड़ा महोत्सव मनाता है, जिसमें हम हरियाणवी जो हमारी कल्चर है जो लुप्त होती जा रही थी उसको उभारने के लिए दामन चुंदड़ी चूंडा कंठी गलसरी इन सब को पहन के महिलाएं झरन झरन करती आती हैं, अपने प्रोग्राम देती हैं और हम इसमें कम्पिटिशन्स रखते हैं जिस तरह से यूथ फेस्टिवल में रखते हैं। तो यूथ फेस्टिवल में जैसे सोलो डांस है, ग्रुप डांस है, ड्यूल डांस है और आखिरी में जो है महारानी का कम्पिटिशन है। ब्यूटी क्वीन नहीं, क्योंकि हरियाणवी कल्चर है तो हमने इसका महारानी का खिताब तीज का जीतने का देते हैं। जो महिला जीतती है उसको पीतल की टोकरी देते हैं जिसमें कम से कम भी 25 किलो पानी आता है और उसमें हम जितने भी हमारे मेंबर हैं उनका पूरा सहयोग होता है और इस काम धाम को चलाने के लिए पूरे को चलाने के लिए हमारे साथ में जो है मैडम सरोज बेनीवाल जी हैं, सचिव हमारी सोसाइटी के, और अपने निर्मल जी हैं महासचिव, और भाभी शोकन उर्मिल जी जो हमारा ऑल इन ऑल हैं, ये सब कुछ ही है हमारे पास, इनके बगैर कुछ नहीं है। तो इन सब का सबसे ज़्यादा योगदान है और बाकी हमारे मेंबर्स हैं काफ़ी, जो हर साल मेंबरों की बढ़ोतरी भी होती जा रही है, उनके सहयोग से भी ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा दिन प्रतिदिन आगे ही आगे तरक्की करता जा रहा है। हम इसमें गुलगुले सुहाड़ी बांटते हैं गर्मा गर्म आने वालों को, कोई एंट्री फीस नहीं है हमारे यहाँ, कोई यहाँ पे बाद में कोई पेड नहीं है कुछ भी, आप अपने स्टॉल लगाते हैं उसके भी कोई पेड नहीं है और इनाम भी देते हैं। तो हम चाहते हैं कि भी चाहे किसी तरह से हो, सामने का महीना है, धूल गले है, ब्याही कुआरी छोरी ब्याही हुई बहू छोरी सब बाट देखें सुनारा कोथड़ी आवे, तो एक ये उमंग है जो हमारे पूर्वजों ने पहले से चलाई हुई है सामने के महीने में। तो इसलिए मैं अनुरोध करूँगी मैडम सरोज से ये भी दो शब्द कहें, मुझे कार्यक्रम कितनी करूँगी। ये कार्यक्रम इसी संडे को 21 जुलाई 10:30 बजे एट शार्प शुरू हो जाएगा और 4 बजे तक का टाइम है, पर कई बार लेडीज इतनी जोश में होती हैं 6 बजा दें। स्थान जाट धर्मशाला हिसार रेलवे रोड पे गोविंद नर्सिंग होम के साथ में जाट कॉलेज के अपोजिट। सभी से अनुरोध है जो भी सुन रहा है देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, महिलाएं सज धज के जो पार्टिसिपेट करना चाहें पहले वो 17 तारीख तक हमारे को अपनी इंट्री भेज दें किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। वेशभूषा हरियाणवी होगी, भागीदारी होगी, दर्शकों के ऊपर कोई कोड कंडक्ट नहीं है, वो कुछ भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं और यहाँ के पूरा इंजॉय करें, ये दिखा दें कि भी हरियाणा में दामन चुगड़ी इतनी भी जिंदा है, हर दुकान पर बिकने शुरू हो गए। जलयू को भी दादा लक्ष्मी की रागनी सुनावा तो उस दो लाइन उसकी भी सुना देंगे, नहीं तो भोड़ा का भी ना हुआ है, यो सामन का भी ना, पूरा भोड़ा पार्वती का ही हुआ है। तो मैं स्रोत अनुरोध करूँगी सुनाओ चलो। माताए पर्वत पे जाही देखूंगी भोले दरबार, माताए पर्वत पे जाही देखूंगी भोले दरबार, बेटिए ओए नागण डोले भोले के गढ़ में काड़ा नाग, बेटिए चौगर देते बागर घनघोर घटा सामने की चोरी गावे गीत सुरीले झूल खली सामने की, चौगर देते बागर घनघोर घटा सामने चोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कमरने की, दो चौकड़ी चढ़ी पींग पर
लते चाड़ सजाते ने दो चोरिया ने लंगर पतड़ इधर उधर के आके मारी चौकड़ी चढ़ी पिंग पे लते चाड़ सजाते ने दो चोरिया ने लंगर पतड़ इधर उधर के आके न्यू में घुमाई न्यू ने घुमाई पिंग चढ़ी सितारे। कहाँ से हमारे ये बताएंगे बताओ। ये जो हमारे मेंबर्स हमने बनाए हुए हैं 1100 रुपए देते हैं हर साल। जितनी भी मेंबरशिप है हमारी उन सब के द्वारा हम ये इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद हम ये प्रोग्राम पूरा किया। कुछ लोगों को तो पता नहीं था कि दमन कहाँ से मिलेगा, क्या आपकी तरफ से कुछ प्रोवाइड करेगा? नहीं, हम उन्हें बता देंगे कि कहाँ से ये चीजें प्रोवाइड होंगी। जो खरीदना चाहे यहाँ पे स्टॉल भी लगती है, बकायदा स्टॉल लगाई जाती है दामन की चुंदड़ी की। अगर वो चाहे तो यहाँ से ले सकती है, परचेज कर सकती है। अगर वो चाहे कि रेंट पे लेना हमें तो परचेज नहीं करना, तो रेंट पे भी हर चीज मिल जाती है, पूरी ज्वेलरी मिल जाती है, पूरा गेटअप मिल जाता है। वो अपना रेडी होके आए और फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे। ये केवल जो हरियाणवी ड्रेस है ना, केवल प्रतिभागियों के लिए है जो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी जो साधारण महिलाएं आएंगी उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, वो कुछ भी डाल के तब हमारी भाभी जी बताएंगे। जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हरियाणवी ड्रेस में तो आएंगे ही आएंगे, उनको एक हिदायत और भी होगी। प्रॉपर हरियाणवी ड्रेस होनी चाहिए और प्रॉपर जो हरियाणवी ड्रेस के साथ जैसे चूंडा है, गले की गलसरी है, पैरों में पायल की बजाय जो कड़ी छल कड़े होते हैं, मतलब प्रॉपर वो ड्रेस होगी तभी वो पार्टिसिपेंट्स जो है वहाँ उसमें हिस्सा ले पाते हैं, वरना उनके नंबर भी कट जाते हैं। हमने ये भी हमारे जो इनविटेशन है उसके अंदर मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये एक हरियाणवी प्रोग्राम है, हम हरियाणवी कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम पूरी तरह से चाहते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए वो पूरी तरह से हरियाणवी ड्रेस में आए। गीत भी हरियाणवी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आए गेटअप हरियाणवी में और पंजाबी पे डांस शुरू कर सकते, तो यहाँ पे हरियाणवी ही गीत होंगे और हरियाणवी गेटअप होगा। और गीत का भी हमारा एक सिस्टम है कि एक गीत सिर्फ एक ही ग्रुप बोलेगा, गीत हमारा कोई रिपीट नहीं होगा। सरोज बेनीवाल भी कुछ बताएंगे, ये लगी रहती है सारा दिन, बिल्कुल मैं फोन है ये नहीं बात बताऊंगे। जो चीज के प्रोग्राम कर रहे होते जैसे नृत्य डांस हो गया, ये ड्रेस कॉम्पिटिशन हो गया, इसके साथ और क्या खास विशेषता है? और इसमें खास विशेषता है सबसे बड़ा हम लोग सामान जोड़ लगते हैं, जोड़ने जाते हैं, सबसे विशेषता ही है ये। झूले झुलाए जाते हैं, गुलगुले हैं, गुलगुले सुहाई है। चंडीगढ़ से पिछली बार भी आई थी, भिवानी से भी आई थी, रोहतक से भी आई थी, वो यहाँ मतलब भाग लेती है आके, ये नहीं कि देखने आती।